Hello everyone, welcome to Easy Lecture. In this video lecture, I am going to explain you the solution of question number 15 of chapter 10, that is light. So the question goes like, an object of size 7 cm is placed at 27 cm in front of a concave mirror. Matlab ek concave mirror hai, uske front pe 7 cm height ka ek object place kiya hua hai. Toh sabse pehle kya karna hai, jitni bhi informations given hai, उसको नोट डाउन करना है. ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको मिलता है कि भाई यस, जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है इट इज 7 सेंटीमीटर. तो अगर हम लोग यहां पे लिखे तो ऑब्जेक्ट हाइट इज 7 सेंटीमीटर. ठीक है, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर. तो देखो ये कॉनकेव मिरर है और ये 27 सेंटीमीटर डिस्टेंस का हुआ है. इट मीन्स कि यू इज मैग्नीट्यूड वाइज इट इज 27 सेंटीमीटर. बट जैसा कि साइन कन्वेंशन में आपने पढ़ा हुआ है कि लाइट के रे के प्रोपगेशन के ओपोजिट डायरेक्शन में आप नेगेटिव डिस्टेंस लिखते हो. ठीक है, तो डिस्टेंस ये आप एक बार देखेंगे तो वहां पे मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है थ्योरी में, है ना. तो देखो दिस इज पोल, तो पोल से ओपोजिट डायरेक्शन में ये डिस्टेंस आ गया, दिस इज 27 सेंटीमीटर, तो इट शुड बी नेगेटिव हियर. ठीक है, तो देखो दो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है. थर्ड क्या था कि भाई मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर. कॉनकेव मिरर है तो आप फोकल लेंथ क्या लिखोगे, अगेन ये भी नेगेटिव लिखोगे, तो -18 सेंटीमीटर. दीज थ्री इन्फॉर्मेशन आर गिवन योर क्वेश्चन. ओके, अब आगे देखते एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज. जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि शार्प फोकस्ड इमेज बनाने के लिए हमें स्क्रीन चाहिए, ठीक है, तो भाई स्क्रीन पे आप रियल इमेज लेते हो तो एग्जैक्टली जो पोजिशन बन रहा है इमेज के लिए, अगर वहीं पर अगर हमने बिल्कुल एग्जैक्टली इसी लाइन पर अगर हमने स्क्रीन रख दिया तो काम बन जाएगा. उस स्क्रीन पर आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के शार्प इमेज को प्रोजेक्ट कर पाएंगे, देख पाएंगे. ठीक है, तो भाई ये डिस्टेंस निकालना है, मतलब आपको समझना पड़ेगा कि भाई हमें ये इमेज डिस्टेंस निकालना है. क्वेश्चन क्या कह रहा है इनडायरेक्टली कि भाई फाइंड द इमेज डिस्टेंस. ठीक है, अब इमेज डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला. आपको याद होना चाहिए कि जो मिरर फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या है, 1/v + 1/u शुड बी इक्वल टू 1/f. अब अगर हम लोग इसमें वैल्यूज पुट करें देन विल हैव 1/v प्लस यू के प्लेस पे क्या रखना है आपको, -27. तो -27 इट शुड बी इक्वल टू 1/f 1/-18. जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल्स टू -1/18 प्लस 1/27. कैलकुलेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको भी साथ साथ देखते जाए कि भी कैसे लिखना चाहिए हमें. तो यहाँ पे आप देखोगे 1/v, यहाँ पे आप LCM लिखते हो अगर 18 एंड 27 का, विल हैव 54. ठीक है, तो 54 18 इंटू 3 इट इज -3 + 2. ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे तो जो V मिल रहा है, V कितना आ गया, -54 सेंटीमीटर. अब देखो रे डायग्राम से भी हमने देखा कि भी देखो यहाँ से रे डायग्राम या इमेज कैसे बन रहा है, एक रे यहाँ से जाएगा, जाकर के रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर के सेंटर को क्रॉस करके पॉइंट से निकल जाएगा, और दूसरा जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये उस पॉइंट की तरफ आ रहा है. ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज मीट कर रहे होंगे वही इमेज बनेगा, तो यहां पे इमेज बना. तो अगर रे डायग्राम से भी देखो तो नेगेटिव साइड पे बनना चाहिए था, मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर बनना चाहिए था, तो इन फ्रंट ऑफ मिरर ये बना क्योंकि नेगेटिव साइन आ गया. तो जो आपका पहला क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया. अगर आप क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन में क्या था, देखिए, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन. तो इस डिस्टेंस पे अगर हम लोग 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर अगर हम लोग स्क्रीन रखते हैं देन विल गेट द शार्प इमेज ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट. ठीक है, आपके पास सेकंड पार्ट भी है क्वेश्चन का, फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज. अब साइज के लिए क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन पे जाते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फिर से मिलता है आपको, तो मैग्निफिकेशन देखना,
मैग्निफिकेशन की अगर बात करेंगे तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअली ये होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक तो ये हो गया, जब कैसे रिलेट करेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज को मैग्निफिकेशन से। लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव एन अनदर फॉर्मूला विच इज एम इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू फॉर द मिरर, माइनस वी बाई यू इट इज वैलिड फॉर द मिरर। ठीक है, तो अब अगर यहां से देखोगे तो v कितना मिल के आया? माइनस 54। ठीक है भी, माइनस 54 और u कितना था? माइनस 27। तो अगर यहां से देखें तो ये माइनस माइनस कैंसल हो गया, तो यहां पे फाइनली m क्या मिला? माइनस 2। तो अगर यहां पे सिर्फ मैग्निफिकेशन पूछा जाता तो हम लोग माइनस 2 लिख देते, लेकिन यहां पे साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछा गया है तो अगेन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। तो अगर इस फॉर्मूले को यूज करें तो हमारे पास अब मैग्निफिकेशन है, इट इज माइनस 2, इट शुड बी इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। हमें नहीं पता ये कैलकुलेट करना है, तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, जो सबसे पहले हमने लिखा था कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर। तो अब क्या करोगे? अपॉन 7 लिख दिया, तो फाइनली विल हैव एच इमेज इक्वल्स टू माइनस 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब माइनस आने का मतलब क्या होता है ये पहले ही पता, देखो रे डायग्राम से हमें पहले ही पता लग गया कि जो इमेज है उसका नेचर क्या होगा? इन्वर्टेड होगा, एंड लास्ट तो होगा ही, मैग्निफाई हो गया और इन्वर्टेड होगा। तो नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है यहां पे? द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द ऑपोजिट और द कह सकते इन्वर्टेड इमेज। बस इतना ही था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, समझना है, तो न्यूमेरिकल के साथ अगर जाए तो इट्स अ वेरी नाइस वे, है ना। और हमारे चैनल पे आप देखेंगे सभी सब्जेक्ट्स के लिए, इवन कि फॉर सोशल साइंस हमने बहुत इनोवेटिव तरीका सोचा है जिससे कि पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो जाए। जो कहते हैं ना, बहुत ऐसा लगता है कि बर्डन है, ऐसा नहीं रहेगा, आपका इंटरेस्ट होगा उसमें। ठीक है, तो अगर आपको समझ आया तो बिल्कुल देर मत करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, है ना। और अगर कुछ भी डाउट है, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो या किसी क्वेश्चन में डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दें। ठीक है, एग्जैक्टली उसी टाइम पे तो नहीं, लेकिन विद इन 24 आवर्स और 48 आवर्स मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं रिप्लाई करूँ, है ना। तो फिर से मिलते हैं नए वीडियोज़ में। ठीक है, ओके दें।